नमस्कार, दिव्य योग आश्रम में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे नव निधि क्या है, लेकिन इसके पहले मैं आशा करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे आध्यात्मिक परिवार में अवश्य शामिल हो जाएं। आपको सिर्फ इतना करना है कि नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दें, जो कि बिल्कुल फ्री है। आज हम बात करेंगे नव निधि के बारे में। हनुमान चालीसा में एक बात कही गई है कि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता अश्वर दीन जानकी माता, यानी माता सीता की कृपा से हनुमान जी अपने भक्तों को अष्ट सिद्धि और नौ निधि की कृपा करते हैं। अष्ट सिद्धि के बारे में मैं अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं, उसका लिंक नीचे दिया गया है, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। आज हम बात करेंगे नौ निधि के बारे में। आपने देखा होगा कुछ लोगों के पास अचानक पैसा आ जाता है, लेकिन अचानक चला भी जाता है। कुछ लोगों के पास बहुत पैसा होता है, लेकिन वे उनका उपयोग नहीं कर पाते। कुछ लोगों के पास पैसा ही उनका दुश्मन बन जाता है। कुछ लोगों के पास पैसा रिश्ते में दीवार पैदा कर देता है। यही पैसा आपके दुश्मनों की संख्या भी बढ़ा देता है। यही पैसा कुछ लोगों को शारीरिक नुकसान भी पैदा कर देता है। यानी आप देखेंगे कि पैसा धन संपत्ति के अनेक रूप होते हैं। यह समझने वाली बात है कि आपके पास कौन से रूप यानी कौन से गुण वाली संपत्ति है, और ये संपत्ति नौ प्रकार की होती है, जिसे नौ निधि कहा जाता है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा कि जिन अष्ट सिद्धियाँ या नौ निधियों के विषय में हम पढ़ते हैं या उससे भी ज़्यादा बार हम सुनते भी हैं, वे दरअसल क्या हैं, उनका रहस्य क्या है? नहीं जानते तो चलिए आज हम आपको यही बताते हैं कि नौ निधियाँ या नौ प्रकार की धन संपत्तियाँ क्या हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे नौ निधि यानी नौ प्रकार की धन संपत्ति के बारे में। नौ निधि का अर्थ यह होता है कि नौ निधि यानी नौ हो गया नौ प्रकार की, निधि यानी धन संपत्ति यानी नौ प्रकार की धन संपत्ति, इसे ही नौ निधि कहा गया है। धन संपत्ति में सोना चांदी हीरे मोती आभूषण जवाहरात रुपए पैसे माने जाते हैं। याद रखें, संपत्ति में भी तीन गुण होते हैं। पता नहीं आपके पास कौन सी संपत्ति है, लेकिन ये तीन गुण वाली जो संपत्ति होती है वो होता है तामसिक गुण वाली संपत्ति, सात्विक गुण वाली संपत्ति, राजसिक गुण वाली संपत्ति, और ये तीन गुण नौ संपत्तियों में होती हैं। आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। पहली संपत्ति को पदम निधि कहा गया है। याद रखें, पहली संपत्ति को पदम निधि कहा गया है। ये सात्विक प्रकार की ऊर्जा होती है। इस निधि का उपयोग साधक के परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। ये लोग हमेशा सोने चांदी का दान अधिक करते हैं। दूसरी निधि महापदम निधि कही जाती है। यह भी सात्विक ऊर्जा मानी जाती है। ऐसे व्यक्ति सात पीढ़ियों तक धार्मिक कार्यों में अपना धन ज़्यादा दान करते हैं, यानी इनकी धन संपदा सात पीढ़ी के बाद समाप्त हो जाती है। तीसरी निधि कही जाती है नील निधि। ये निधि में सात्विक और राजसिक गुण समान रूप में पाए जाते हैं, इसलिए ये अपना धन व्यापार में तथा धार्मिक कार्यों में लगाते हैं। लेकिन इनकी संपत्ति सिर्फ तीन पीढ़ी तक चलती है। चौथी निधि मुकुंद निधि कही जाती है। ये निधि राजसिक स्वभाव वाली होती है। ऐसे व्यक्ति अपनी पूरी संपत्ति अपने जीवन काल में ही भोग में लुटा बैठते हैं, यानी कम समय में अपने जीवन में धन संपत्ति जमा कर लेते हैं। ये क्षमता तो होती है उनके अंदर, लेकिन क्षणिक सुख के लिए ये उसे लुटा भी देते हैं। पांचवी निधि को नंद निधि कहा गया है। यह तमोगुण और राजसिक गुण वाली संपत्ति धन संपत्ति मानी जाती है। ऐसे व्यक्ति जीवन भर तरक्की करते हैं। मकर निधि, इस संपत्ति में तामसिक गुण प्रबल होते हैं। ये अपने अस्त्र शस्त्र के दम पर धन संपत्ति जमा करते हैं, लेकिन इनकी मृत्यु का कारण भी यही अस्त्र शस्त्र माना जाता है। सातवीं निधि कश्यप निधि कही जाती है। यह संपत्ति तामसिक गुण प्रधान होती है। ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपने ऊपर ही खर्च करना पसंद करता है या अपनी संपत्ति को छुपा कर रखना पसंद करते हैं, इसलिए इस संपत्ति का उपयोग अपने जीवन में पूरी तरह से नहीं कर पाते। आठवीं निधि शंख निधि कही जाती है। इस प्रकार की संपत्ति तमोगुण और रजोगुण प्रधान होती है, यानी इनके मुखिया के पास अथाह शक्ति होती है, लेकिन इनका जो परिवार है वह गरीबी में जीता है। इनकी संपत्ति एक पीढ़ी के बाद समाप्त हो जाती है। नौवीं निधि खर्व निधि कही जाती है। इस प्रकार की संपत्ति तमोगुण प्रधान होती है, यानी धन संपत्ति वाला व्यक्ति विकलांग तथा घमंडी होता है। समय आने पर यह किसी को लूटने में भी परहेज नहीं करता। इस तरह से नौ निधि यानी नौ प्रकार की संपत्तियां होती हैं। हर संपत्ति के गुण अलग अलग होते हैं। सात्विक गुण
और राजसिक गुण, ये गुण की संपत्तियाँ टिकती हैं, लेकिन तामसिक गुण की संपत्तियाँ बहुत जल्द आती हैं और बहुत जल्द चली जाती हैं। आशा है ये जानकारी आपका ज्ञान बढ़ाने में लाभदायक रहेगी। इसके अलावा लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए हमारी संस्था दिव्य योग आश्रम अलग अलग शहरों में कुंडलिनी ध्यान शिविर का आयोजन कर रही है। इसमें भाग लेना बिल्कुल फ्री है, एकदम निःशुल्क है। इसलिए अगर आप अपने शहर में सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहाँ पर आप अपने शहर में सीखने के लिए बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो चैरिटेबल ट्रस्ट संस्था या योगा केंद्र चला रहे हैं, वे अपने ग्रुप में निःशुल्क कुंडलिनी ध्यान शिविर का आयोजन करवा सकते हैं। आप अपने जीवन में तरक्की करें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।